2024 की जो जंग है वो तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर चाचा शिवपाल भी एक्शन मोड में आ चुके हैं और शिवपाल यादव ने आज योगी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024 की योजना पर समाजवादी पार्टी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2024 की लड़ाई के आगाज के पहले प्रदेश से लेकर बूथ तक संगठन के पेच कसने में जुट गए हैं। पार्टी नवनियुक्त पदाधिकारियों को समाजवाद की नीति और 2024 की रणनीति का पूरा कहकरा सिखा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद संगठन को भी मजबूत बनाने पर जोर देने में जुटे हैं ताकि बीजेपी को जमीनी स्तर पर कड़ी टक्कर दी जा सके। वहीं पारिवारिक कलेश के बाद सपा में शामिल हुए चाचा शिवपाल भी 2024 की तैयारी में पूरा दमखम लगाते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के साथ साथ शिवपाल की भी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बेपटरी हो रही बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से खराब हैं। इधर बिजली का देख लिए, इतनी महंगी बिजली और 12 करते हैं 22 घंटे 24 घंटे और 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा बिजली कहीं आ रही है। इधर देखे छापे पर पड़ रहे हैं, एफआईआर भी हो रही है और बिजली देते नहीं। और इतने छापे और ये करने के बाद भी रेवेन्यू इनका बढ़ता नहीं। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव ने बड़ा दावा किया। कहा, इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। शिवपाल ने बसपा पर भी बड़ा हमला बोला। कहा, मायावती बीजेपी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी और मायावती की मिलीभगत जग जाहिर है। तो वो तो भाजपा से पूरी तरह से मिले ही हुए हैं, पूरी तरह से भाजपा से मिले। अब वो तो भाजपा से बात करके ही अपना जहां से लड़ेंगे। शिवपाल के दावे को बीजेपी ने नकारते हुए जोरदार पलटवार किया। देखिए, शिवपाल जी क्या बयान देते हैं, ना तो उनकी पार्टी उनको संज्ञान लेती है। कितने नॉन सीरियस बयान वो दे रहे हैं, उसको कोई गंभीरता से ना उनके फॉलोअर ले रहे हैं ना जनता ले रही है। इंडिया किसे हराएगी, कौन जीतेगा, ये जनता तय करेगी। परंतु ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है आगामी लोकसभा चुनाव में, वो 80 सीटें जीतने जा रही हैं। जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। 2024 की तैयारियों को लेकर पहले ही अखिलेश और चाचा शिवपाल यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। दोनों ही दिग्गज नेता लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर काफी मुखर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।